चांद का फूल खिला ताल में गगन के, और वह फिर इस तरह से वो कविता छा गई कि सब उनके बोध उड़ गया उसमें। इसलिए मुझे लगा कि आप अपने मन में जो सोचते हैं कि यह इस बोध की या इस चेतना को उभारने के लिए मैंने रचना की है, इसी रूप में दूसरे ने उसको ग्रहण कर लिया, यहीं पर मेरा मतभेद है। आप इस उमंग में लिख सकते हैं कि आपने कोई ऐसी बात कह दी कि लोग चौंक करके उसको स्वीकार करेंगे, लगेगा कि युग को आगे बढ़ाने वाली बात हो गई पिछली बार, लेकिन यह आपकी बात है। आपने जनता को तो अपने साथ लिया नहीं और समूचे परिवेश को अपने साथ लिया नहीं, तो रिसेप्टिविटी का जहाँ सवाल आता है कि उसको ग्रहण करने वाले की क्षमता क्या है, तो ग्रहण करने वाले की क्षमता आपके नगर बोध और ग्राम बोध को अलग अलग डिस्टिंक्ट करके उसको समझने की क्षमता नहीं है।